उसके बाद चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 में आपको खास तौर पे 3.6 जो है उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो बुक के नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3.3 से, ठीक है। अब 3.3 में जो क्वेश्चन आया हुआ है बुक से हट के, सबसे पहली जो है वो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ही वो आई भी है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 3.3 का हट के आया है। वो ये सारे बुक में है, बस एक एग्जाम्पल है वो भी बुक में, तो एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ आपको, बस उसमें 2-3 एक्स्ट्रा काम भी आपको करने हैं तो मैं साथ आपको बता दूंगा। तो मैं जरा पहले नंबर बता दूंगा उसका 3.3 का। सबसे पहली बात ये आया है 2015 के ईयर में, ठीक है, और इसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि नंबर मुझसे स्किप हो गया, तो यही होगा 2 का पार्ट 3 होगा। ये मैंने इसका नंबर बता दिया, और ये बुक की एग्जाम्पल भी है तो मैं वो भी नंबर बता देता हूं आपको, कि ये आपको मिल जाएगी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 51। हाँ, पेज नंबर 51। तो दोनों मैंने रेफरेंस दे दिए, एक बोर्ड में भी आ चुका है, और ये बुक की बेसिकली एग्जाम्पल है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, करना क्या है, सवाल में लिखा हुआ क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज है, कि प्रूव दैट द क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा -5 ओमेगा -5 ओमेगा -5। आपको -125 के पहले क्यूब रूट निकाल लें, फिर लिखा हुआ है एंड देयर सम इज जीरो, और प्रूफ करो कि उसका सम जो है वो जीरो है। जरा देख लेते हैं, सबसे पहले सवाल में गिवन क्या है, -125, इसके आपको क्यूब रूट निकालने हैं। तो जो नॉर्मल तरीका है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था, वही काम करो। आप लेट करो कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125। क्या लेट कर लो एक्स जो है वो -125 का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को आप कैसे लिखते हो, power 1/3। तो जो -125 का क्यूब रूट है वो किसके बराबर आपने ले लिया, x के बराबर। इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब लो तो यहां से हट जाएगा। अब -125 को इधर ले आओ तो +125 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, आप 125 को इस तरह लिख सकते हो 5 का क्यूब। अब अगर आप गौर करो तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला फॉर्मूला, मेंशन कर देना लाजमी, a³ + b³ का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है भाई a+b² - ab + b², ये फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। अब आप इस पे अप्लाई कर दो, यहां पे a जो है वो x के बराबर है, b जो है वो 5 के बराबर है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो जाएगा x + 5 x² - x, ए बी मतलब x को 5 से मल्टीप्लाई करो 5x + b², 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो दोनों का आप इक्वल टू जीरो रखो, तो आप लिखो आइदर x + 5 = 0 या x² - 5 + 25 = 0। x + 5 = 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी -5, ये आपके पास पहला क्यूब रूट आ गया है -125 का, और रियल वाला क्यूब रूट आ गया। अब आप इमेजिनरी वाले कॉम्प्लेक्स वाले निकालोगे। अब आपने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो जरा इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे आप चाहो तो मेंशन कर दो कि ए बी सी आपको बताना चाहिए ना, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है। तो ए यहां पे 1 के बराबर है, बी यहां पे -5, सी यहां पे 25 के बराबर है। चाहो तो ये मेंशन कर दो कि ए 1, बी -5, सी 25, चाहो तो ये चीज मेंशन कर दो। अब आप यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया नहीं, मतलब कहने का मतलब ये नहीं बोलना कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको इतनी वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख दो, अप्लाई कर दो, दैट्स इट। लेकिन स्टेप आपको दिखाने, आप ये नहीं लिख सकते कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, वो गलत बात है, क्योंकि सवाल जो है ये सवाल इक्वेशन के चैप्टर में, मकसद आपसे वो देखना क्या चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपने फॉर्मूला ये वाला a³ + b³ का फॉर्मूला किस तरह अप्लाई किया, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह कर रहे हो। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आ रहा है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन असल मकसद है कि बच्चा इक्वेशन को सॉल्व किस तरह कर रहा है। तो अगर वही काम आप कैलकुलेटर से करोगे तो फिर मकसद इस सवाल का जीरो नंबर मिलेंगे।
तो यहां पे आपको बकायदा स्टेप शो करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा किस तरीके से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो जरा सॉल्व करते हैं। यहां पे है माइनस बी, क्या है ऑलरेडी नेगेटिव फाइव है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस फोर ए वन है, सी यहां पे 25 है, डिवाइडेड बाय 2a, अगेन a यहां पे 1 के बराबर है। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव 5 प्लस माइनस 25, अच्छा माइनस 4 को 25 से करो माइनस 100, 25 माइनस 100 क्या होता है माइनस 75 के बराबर होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 2। जब भी रूट के अंदर माइनस 1 आ जाए तो ये बराबर होता है आयोटा के, आप चुप करके आयोटा लिख दो, उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट ले लो। 75 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, जब आप कैलकुलेटर से मालूम करोगे, कैलकुलेटर मेरे पास सामने नहीं है तो जरा वैसे मालूम कर लेते हैं, 75 3 के टेबल में आ जाता है 25, अच्छा अब 3 में नहीं आएगा तो आप 5 से करो 5, तो सिंपल 5 जो है वो बाहर आ जाएगा और सिंगल बेचारा 3 बच गया, तो 3 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये आपने आंसर निकाल दिया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब आपको करना ये पड़ता है कि आप यहां से 5 कॉमन लेते हो, क्योंकि देखो यहां तक आंसर आपका ठीक है, आपका एक क्यूब रूट ये आ गया था, 2 ये आ गया, आप आंसर इसको ठीक कह सकते हो, लेकिन सवाल में उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो कि माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा की फॉर्म में आपने निकालना है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहला स्टेप आप यहां पे 5 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की वैल्यू में शुरू में 1 के साथ नेगेटिव आता था, ठीक है, अगर आपको याद हो ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया दोनों की वैल्यू में शुरू में 1 के साथ नेगेटिव आता था, जो कि आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, इस तरह भी समझ सकते हो आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ब्रैकेट के बाहर भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। असल चीज ये होती है कि कुछ चेंजिंग ना होनी चाहिए, अगर अंदर भी माइनस से किया बाहर भी माइनस से किया तो माइनस माइनस पॉजिटिव, कोई खास चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो इस बात को। तो मैंने बाहर एक माइनस 5 लगा दिया और अंदर भी मुझे एक माइनस लगाना, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 1, अच्छा अगर प्लस माइनस लिखा हुआ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है माइनस प्लस, लेकिन कोई खास फर्क नहीं होगा, आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन वैसे दिखाने के लिए कि प्लस माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस प्लस होता है, मतलब अभी भी वही रहता है कि भाई एक वैल्यू नेगेटिव आएगा दरमियान में और एक में पॉजिटिव आएगा, मतलब तो वही रहेगा इसका। अब ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया, अब मुझे थोड़ा सा और चाहिए, पहला भी काम करो, अगर लेना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि शुरू के स्टेप का कोई खास काम नहीं है। अब इसको आप अलग अलग करके लिख दो, एक आंसर तो आपके पास ही आ गया था, और अब दो इन दोनों को अलग लिख दो, आप लिखो माइनस 5 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक में आप लिखो माइनस 5 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये पूरी वैल्यू होती है ओमेगा की, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, उसके बाद ये पूरी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड का अपनी वर्डिंग लिख दो कि हेंस क्यूब रूट्स आर, क्या होंगे क्यूब रूट्स, माइनस फाइव ओमेगा माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये प्रूफ करनी है, उसके बाद बुक में तो मतलब बुक के एग्जाम्पल में तो इसके आगे को वर्डिंग नहीं थी, लेकिन एग्जाम में आपको साथ साथ बोला गया था कि ये भी प्रूफ करो कि इनका सम 0 के बराबर है, और मॉडल पेपर में यही सवाल आपको मिलेगा, बस उसमें 125 किया है, इसमें माइनस 125 था ना, मॉडल पेपर में 125 लिखा हुआ है, तो वहां पर जब मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, अगर 125 का निकाल रहा हूं तब भी ये कॉन्सेप्ट होता है, इनफैक्ट जब आप 125 का निकालते हो ना तो ये माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जब किसी पॉजिटिव नंबर का आप क्यूब रूट निकालोगे ना तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके पास डायरेक्ट 1 के साथ माइनस आ रहा होगा, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दोगे, ठीक है, तो बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें ये बोला हुआ था कि प्रूफ करो कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 125 के बराबर है, ठीक है, इस वाले केस में इसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 125 के बराबर होगा,
जो नंबर होता है ना उनके क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उसी के बराबर आ रहा होगा। तो मैं दोनों चीज बता देता हूं कि सम अगर निकालने को बोला जाए इनका या प्रोडक्ट निकालने को बोला जाए दोनों का आंसर क्या होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप अगर सम का बोला जाएगा तो आप इस तरह हेडिंग लगाओगे सम ऑफ क्यूब रूट, क्योंकि ये भी उन्होंने प्रूफ करने को बोला है कि वो जीरो के बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप जरा इनको सम करो, माइनस फाइव ओमेगा माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर, यह आपको सम करना है इसको, ठीक है। अच्छा ये बराबर हो जाएगा माइनस फाइव आप कॉमन ले लो, पहले टर्म से वन बचेगा, दूसरी टर्म से ओमेगा, तीसरी टर्म से ओमेगा स्क्वायर। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो सबके जनरल पॉजिटिव आ जाएगा। ये पूरी चीज जो है जीरो के बराबर होती है। आपने पढ़ा होगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये यूनिटी के सारे क्यूब रूट है, ये जीरो के बराबर होते हैं। जब ये जीरो हो जाएगा तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सवाल में प्रूव हो जाएगा कि सम जो है ना इनका वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। और लेट कर लो अगर आपको पेपर में प्रोडक्ट का बोल दिया जाए तो प्रोडक्ट के लिए भी ये काम करो, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स। इस सवाल में प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स किसके बराबर होगा, माइनस 125 के बराबर। जो नंबर का क्यूब रूट निकालना होता है ना उसके क्यूब रूट का प्रोडक्ट उसी नंबर के बराबर होता है। जरा प्रोडक्ट निकालो इसका, माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर। माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, इस माइनस फाइव को तीन दफा मल्टीप्लाई करो तो माइनस 125 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब। आपको पता है ओमेगा क्यूब वन के बराबर होता है तो ओमेगा क्यूब की जगह वन आ जाएगा, और इन शॉर्ट आंसर क्या है, माइनस 125। तो जो नंबर था उसके क्यूब रूट का प्रोडक्ट भी उसी के बराबर आ गया। तो इस ईयर में तो उन्होंने सम की बात की थी, मैंने सम का भी करवा दिया, मैंने साथ साथ आपको प्रोडक्ट का भी करवा दिया कि अगर वो आपको बोलेंगे इस तरीके से आप अपने स्टेप शो करोगे। तो 3.3 में यही क्वेश्चन था, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसके अलावा 3.3 का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो बुक से हटकर आए हुए थे सारे यही वाले थे। और कोई आपको खास एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल्स के बारे में एक बात बता दूं कि मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर जो है, सॉरी मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया था, उसमें मैंने एंड पे सारी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई थी कि कौन कौन सी एग्जाम्पल की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें तो जो मुश्किल वाली है वो ऑब्वियसली मैं करवा रहा हूँ, जो मुश्किल नहीं है, जो इजी वाली है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के क्वेश्चन के मुताबिक हो रही है, तो आप लोग खुद कर लेना। तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें एग्जाम्पल देख लेना कौन कौन सी आपको करनी है। अच्छा 3.0 कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 3.4 का एक ही क्वेश्चन में नजर आया, वो भी बुक के तरीके से ही होगा, एग्जैक्ट वही है जो आपने बुक में देखा है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को वो करवा रहा हूं, और वो आपको मिल जाएगा 2011 के पेपर मिलेगा। और आया कहां पे है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के अंदर आया है। और क्वेश्चन है क्या, 1 - x / x प्लस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 1 - x इक्वल टू 13/6 यार। अब देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बुक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसमें आप ये काम कर रहे हो, आई गेस टाइप 5 या टाइप 6 इसी टाइप से रिलेटेड थी कि जिसमें आप ये काम कर रहे थे पूरा, लेकिन अब बुक में नहीं था, ये वैल्यू चेंज थी, ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा। प्लस के साथ आई गेस एग्जाम्पल भी मौजूद है 3.4 की, लेकिन माइनस के साथ ऐसा सवाल नहीं है, शायद हो, मैंने जितना देखा उसमें तो मुझे नहीं मिला। बस तो अब देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे लेट कर लोगे जो पहले आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप लेट कर लो y के बराबर। तो देखो ये जो चीज लिखी हुई है इसका रेसिप्रोकल यहां पे मौजूद है, ये है रूट 1 - x डिवाइडेड बाय रूट x, ये है रूट x डिवाइडेड बाय रूट 1 - x, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। तो अगर इस वाली चीज को मैंने y के बराबर लेट किया है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी 1/y। जब भी आपने लेट किया अपने सवाल को चेंज कर दो, सवाल अब आपका क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज की जगह आप y लिख दोगे प्लस इस पूरी चीज की जगह 1/y लिख दोगे। अच्छा अगर तो आप पहली दफा ये क्वेश्चन समझ रहे हो तो फिर आप ये नहीं बोलना कि समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब मैं आपको करवा चुका हूं। 3.4 अगर आपने की भी है इस टाइप के क्वेश्चन तब आपकी बात समझ आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले तो आप वो देख लेना। उसके बाद सिंप्लीफाई करो, y को y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर एड करो 1 के अंदर, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसको नाम भी दे देते हैं क्योंकि पुट भी करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6y² + 6, y को 13 से मल्टीप्लाई करो 13y,
सिंप्लीफाई करो, 6y स्क्वायर 30y को लेकर आओ, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 6 अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मिरर टर्म ब्रेक पॉसिबल है, 36 के फैक्टर बनेंगे, 30 से क्या बनेगा 12 3 तो नहीं पॉसिबल, 9 4 बन जाएगा यहां पे, तो एक फैक्टर बनेगा 9y, एक फैक्टर बनेगा 4y, माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट 36 के बराबर है। शुरू की दो टर्म से आप कॉमन लो भाई 3y, तो पहली टर्म से बचेगा 2y और दूसरी टर्म से बच जाएगा 3, इन दोनों में से आप माइनस 2 कॉमन लो, पहली टर्म में से बचेगा 2y और दूसरी टर्म से बच जाएगा माइनस 3। अब देखो इस टर्म में भी 2y माइनस 3 आ रहा है, इस टर्म में भी 2y माइनस 3 आ रहा है, कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 3y, यहां से बचेगा माइनस 2। अब दोनों को आपने इक्वल टू 0 रखना है, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसी तरह 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, अल्लाह भला करे 3/2, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बॉक्स में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है, सवाल आपका x की फॉर्म में था तो आपको x की वैल्यू चाहिए, y तो हमने लेट किया हुआ था। तो अब आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप y की वैल्यूज पुट कर दो। सबसे पहले कौन सी पुट करो, when y equal to 3/2, सबसे पहले आप 3/2 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में y की जगह आप लिखो 3/2 और राइट हैंड साइड आपके जवाब पे लिख दो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सिंप्लीफाई करना है आपने, जस्ट स्क्वायरिंग करो आप, आपका सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 और यहां पे स्क्वायरिंग करो, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9x, 4 को 1 से करो, 4 को माइनस एक्स से करो, इधर ले आओ, ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/13। तो ये है रिक्वायर्ड x की वैल्यू। अब हम दूसरी भी x की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालोगे, जब आप y की वैल्यू पुट करोगे 3/2, तो वेन y इक्वल टू 2/3, ये अब आप पुट कर दो अगेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करोगे 2/3 और राइट साइड क्या आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अगेन। अच्छा चाहो तो वर्डिंग आप लिख लोगे स्क्वायरिंग और बोथ साइड इधर भी, अगर चाहो तो लिख लो, मतलब कोई जरूरत नहीं है यहां पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स चाहो तो लिख लो, चाहो ना लिखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं वहां पर नहीं लिख रहा, बताने के लिए कि इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको कोई सर पे सवाल ना कर लेना। यहां पे स्क्वायरिंग करोगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा माइनस 9x को इधर ले आओ, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो यह आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, आंसर वेरीफाई अगर आपने करना हो तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, मैं एक जरा पुट करके दिखा देता हूं। पहला आंसर आया था 4/13, अगर यहां पर आप पुट करोगे 4/13 ऊपर, तो 1 माइनस 4/13 हो जाएगा 9/13 और नीचे x की जगह आप पुट करोगे 4/13, तो 13 से 13 कैंसिल, 9/4 आ जाएगा और 9/4 का जब आप रूट लोगे तो ये बराबर हो जाएगा 3/2 के, तो यहां पे 3/2 आ गया। इधर जब आप पुट करोगे x की वैल्यू 4/13 ऊपर 4/13, नीचे होगा 9/13, 4/9 रूट लोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करो यहां पे एलसीएम जो है वो हो जाएगा 6 के बराबर, 3 3 9 और यहां पे 4, तो आंसर आ रहा है 13/6 जो के बराबर है राइट साइड के। अच्छा पेपर में करने की जरूरत नहीं है जब तक वो बोले ना खुद के वेरीफाई करो या चेक करो, नॉर्मली जब 3.8 के क्वेश्चन आते हैं वहां पे वो बोलते हैं कि वेरीफाई करो, लेकिन 3.4 के क्वेश्चन में वो नहीं बोलते आपको, तो करने की जरूरत नहीं है, खुद अगर करना चाहो तो रेफ फॉर्म में साइड पे कर लो, जैसे यहां पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट साइड के बराबर आ रही है, इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट करो तब भी ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये वो सवाल था 3.4 का जो बुक से हटके था, बाकी सब वही थे, इवन शायद एक दो एग्जाम्पल बुक की भी हो तो वो बड़ी इजी थी, वो कोई मुश्किल नहीं होंगी, देख लेना आप लोग को मसला नहीं होगा उसके अंदर।